वेलकम टू इंडियन एडवर्सरीज। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा RGUKT इसके बारे में। इसमें एडमिशन लेते हैं आप, कैसे लेते हैं, लेना भी है तो कैसे, क्या करना पड़ेगा, कैसे, किस तरीके से, क्या क्या सारी चीज़ें देखनी होती है पूरे ईयर में, तो जो भी आपको सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बता देता हूँ, काफ़ी ईजी है। सो आपको क्या करना है कि अपने ब्राउज़र में google.com ओपन कर लेने हैं, वहाँ पर आपको टाइप कर लेने हैं RGUKT 2021 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको RGUKT के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। सो आप अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको टाइप कर देनी होती है। क्या टाइप करनी है, जो काफ़ी ईजी, जैसे कि बता देता हूँ आपको यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने लिखा वही टाइप करने के बाद आपको आगे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सर्च करना फर्स्ट और लिंक पे क्लिक कर देनी है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देते तो आप यहाँ पर न्यू टैब में ओपन हो जाता है, जहाँ पर डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। सो अब जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते तो यहाँ पर बोला जाएगा आपको, सबसे पहले तो ये फॉर्म फिलअप करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने ब्राउज़र में सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद यहाँ तक आते रहते हैं, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, यहाँ पर अपना नाम टाइप करेंगे, आपका ना ईमेल आईडी क्या, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, आपका स्टेट क्या है, स्टेट बताने के बाद सिटी बताएंगे, इंटरेस्ट रेट, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बताने के बाद आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। इससे ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना है। अब गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर देते हैं तो आपको बताया मैंने, फिर ओके, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी आपको ऑफ़र आते हैं कि आप यहाँ पर आइए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर बता देता आपको कैसे किस तरीके से करना है, रिज़ल्ट आपकी डिक्लेयर कर दी गई है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दिया गया है। कि आप एक गुड न्यूज़ बता देता आपको आगे बढ़ने से पहले, गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPES यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRM USSIU एंड काजीरंगा यूनिवर्सिटीज़ में। सो आप इनमें से जिस किसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें से किस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो काफ़ी ईजी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन देख रहे हैं, अब इस पर आप क्लिक करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में जो देश के टॉप 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। ओके, तो जल्दी जल्दी आपको अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब इवेंट डेट सारी चीज़ देखनी होती है तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेट कभी है, नोटिफिकेशन कभी है, क्या करना है, कौन से डेट पे, किस तरीके से, तो उस डेट पे आपको क्या करना है वो चीज़ें करनी है। जैसे कि डेट अप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर 9 to 11 September के बीच में अगर डाउनलोड द हॉल टिकट, तो 18th September यहाँ पर इस तरीके से डेट देखनी है और सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया, तो अप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी रिलीज़ कर दिया जाता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि आपके सारे डिटेल्स चाहिए रहता है, आपका क्या सारी चीज़ें हैं, क्या नाम है, क्या किस तरीके से, कि आपका डेट, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करना था, एप्लीकेशन फॉर्म के फीस भी लगते हैं, वो भी करने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है, क्रिटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्स का नाम यहाँ पर होता है बीटेक में स्पेशलाइजेशन क्या है, ये सारी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जो भी सारी दिख रही हैं आप। अब एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताया गया, जैसे कि 10th में आपने 50% मार्क्स लाए, ओके, तब कोई बात नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर होगा क्लास 10th फॉलो बाय द काउंसलिंग के थ्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दी जाती है, रिजल्ट मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ फिल हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका एडमिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ। जो एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए क्या किया जाता है, एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया जाता है, जिस वजह से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट निकाल करके आपको आगे एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। फिर एग्ज़ाम वगैरह सब दे देते हैं, फाइनल में आपका क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको क्या करता है, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, वही चीज़ रहता है। रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रिजल्ट काफ़ी ईजी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के RGUKT के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके बाद आपको रिजल्ट चेक करना होता है, तो जो काफ़ी ईजी है। अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस आपके परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, एडमिशन प्रोसेस आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत चीज़ें। सो
यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो अगर आपको जो भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट करना है आपको, और ऐसे ही कुछ वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।